आपका क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज शोन बिलो, एस टी इज ड्रॉन सच दैट एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, इफ एस टी डिवाइड्स क्यू आर इन रेशियो 2:3 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस टी। आपके चार ऑप्शन है यहां पर, तो पहले इसको समझो इसने क्या बोला है। तो ये है आपका ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर बड़ा वाला ट्रायंगल। फिर इसने बोला है एस टी इज ड्रॉन सच दैट एंगल पी आर क्यू, पी आर आर सेंटर में है तो वो आपका कहाँ है, पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, तो टी सेंटर में है तो एस टी क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपके सेम है। इफ एस टी डिवाइड्स क्यू आर, एस टी डिवाइड कर रहा है क्यू आर को इन रेशियो 2:3, तो आपको कैसे करना है, क्यू से आर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो क्यू से आर की तरफ जाना है और टू कम्स फर्स्ट, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस टी, तो एस टी का लेंथ आपको निकालना है ये वाला, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं, सिमिलर, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपके सिमिलर है। तो छोटा वाला ट्रायंगल हमारा है क्यू एस टी और बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा है पी क्यू एस टी, तो आपका क्या आ जाएगा, ये क्यू पी आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है, कैसे, ये देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल दिया है, गिवन है, और ये वाला एंगल आपका क्या है, कॉमन है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बाई ए क्राइटेरिया से ये दोनों आपके सिमिलर, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर हैं तो साइड्स विल गो इनटू प्रोपोर्शन, तो जो चीज हमने दो ए ए करके ली थी वही आपको लेना है, छोटे में और बड़े में। तो देखो फर्स्ट इज एंगल टी, तो ये आपका हो जाएगा एंगल क्यू टी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, दोनों एंगल। सेकंड एंगल देखो क्या है आपका, मैंने क्या बताया था, ये एंगल आपका इक्वल है तो एस क्यू टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये आपका कॉमन है ना। अब इसके अपोजिट साइड्स को देखना है दोनों का, तो देखो क्यू टी एस कहां पर है आपका, क्यू टी एस इसका अपोजिट साइड आपका ये है, ठीक है। तो यहां पर कोई मेजरमेंट नहीं है तो वी विल नॉट टेक दिस। और दूसरा है आपका क्यू आर पी, क्यू आर पी इसका अपोजिट साइड इज दिस पूरा वाला, तो इसमें भी कोई मेजरमेंट नहीं है तो वी विल नॉट टेक दिस। तो अब आपको थर्ड साइड लिखनी है जो खाली है, तो छोटा वाले का देखो क्या है, टी एस क्यू एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू, और खाली वाला यहां पर है आर पी क्यू, आर पी क्यू इसमें देखते हैं। तो ये देखो सेंटर में एस है, दैट मीन्स ये इसका अपोजिट साइड में क्या लिखा है, टू, वो लिखना है, तो 2 बाई ना, और यहां पर क्या है पी,
तो अपोजिट साइड तो पूरा है, तो दैट मीन्स 2 + 3 = 5 इज इक्वल टू, और ये वाला देखो Q दोनों में सेम है, तो छोटे वाले का पहले लेना है क्योंकि पहले छोटा लिया था, तो Q का अपोजिट साइड में क्या है देखो क्वेश्चन मार्क, तो यहां पर लिखेंगे हम ST, और बड़े वाले में इसका अपोजिट क्या है देखो क्या लिखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहां लिखना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 5ST इज इक्वल टू 2 × 20 = 40, तो ST आपका हो गया 40/5 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो आपका ST 8 सेंटीमीटर का है, तो 8 कहां पर लिखा है देखो कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन, तो ये आंसर आपका